मैं संजीव से करवार आप लोगों के लिए इस लीगल लैंप यूट्यूब चैनल पर पुराना लॉ और नए लॉ दोनों का कंपैरिजन करके मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं और उसमें बताने की कोशिश करता हूं कि क्या इसमें नया ऐड हुआ, क्या सीआरपीसी का कंटेंट रिटेन किया गया है, क्या कंटेंट यहां से रिमूव कर दिया गया है बीएनएसएस में लाते लाते। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स सेक्शन 158 सीआरपीसी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 177 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। साथ में दूसरी सेक्शन की भी बात करेंगे सेक्शन 159 सीआरपीसी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 178 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तीन सेक्शन 157, 158 एंड 159 सीआरपीसी ये तीनों सेक्शन कनेक्टेड सेक्शन है, इसीलिए इनकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएसएस में 176, 177 एंड 178 ये तीनों सेक्शन भी कनेक्टेड सेक्शन ही हो जाएंगे। इसीलिए ब्रीफ में 157 से शुरू करूंगा और 157 में आपको अगर ध्यान हो, मेरी वीडियो आपने देखी हो तो बताया गया था कि जैसे ही वो इंफॉर्मेशन जो 154 सीआरपीसी या इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 173 बीएनएसएस में रिसीव हुई पुलिस स्टेशन में, तो एफआईआर रजिस्टर की गई। तो अब 156 सीआरपीसी में पावर दी गई स्टेशन हाउस ऑफिसर को कि विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट वो इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल केसेस में कर सकता है। अब 157 सीआरपीसी में बताया गया था कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, तो वहां आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले बात कही गई थी कि एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को जाएगी, दूसरा वो स्पॉट पर खुद जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट करेगा स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसके दो प्रोवाइजो भी दिए गए थे कि अगर ऑफेंस ऐसा है कि जिसमें एक्यूज का नेम पहले से ही मौजूद है, बाय नेम एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है और सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, तो एग्जम्प्ट कर दिया गया स्टेशन हाउस ऑफिसर को कि स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्पॉट पर जाए भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दूसरा ये बताया था कि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर को ये लगता है कि कोई सफिशियंट ग्राउंड नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन में एंटर किया जाए, तो उसको पावर है कि वो मना कर सकता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन में एंटर नहीं कर रहा हूं। तो इन्हीं सभी से रिलेटेड रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगी 157 सीआरपीसी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 176 बीएनएसएस ये बात कहती थी। अब बात आती है कि ये जो रिपोर्ट भेजी स्टेशन हाउस ऑफिसर ने ये किस तरीके से जाएगी, हाउ रिपोर्ट सबमिटेड, ये हेडिंग होगा 158 सीआरपीसी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 177 बीएनएसएस का। ना हेडिंग में कोई चेंज आया है, ना इसके कंटेंट में कोई चेंज आया है, जब ये सेक्शन 158 से 177 बीएनएसएस बनी है। दो सबसेक्शन है फ्रेंड इसमें, तो सबसेक्शन 1 में ये बताया गया कि 176 बीएनएसएस में जितनी भी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगी, सभी की सभी रिपोर्ट्स सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू जाएंगी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा डायरेक्ट किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सुपीरियर ऑफिसर कौन होगा, दूसरा इसको अपॉइंट कौन करेगा कि ऐसी रिपोर्ट भेजने के लिए ये सुपीरियर ऑफिसर होगा। तो इसी सबसेक्शन 1 में लिखा कि स्टेट गवर्नमेंट या तो जनरल ऑर्डर पास करेगी या कोई स्पेशल ऑर्डर पास करेगी और एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो स्टेशन हाउस ऑफिसर से सीनियर रैंक का होगा और इस पर्पज के लिए कि सभी की सभी रिपोर्ट जो 176 सीआरपीसी में जाएंगी मजिस्ट्रेट साहब के पास, वो इस ऑफिसर के थ्रू जाएंगी। दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं जिनके थ्रू सारी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास जाती है। अब बात आती है सबसेक्शन 2, ये सुपीरियर ऑफिसर करेगा क्या, क्या जैसे ही स्टेशन हाउस ऑफिसर ने इसके पास अपनी रिपोर्ट भेजी तो क्या ये केवल पोस्टमैन का काम करेगा, सीधे मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज देगा, नहीं। सबसेक्शन 2 में यही बताया गया फ्रेंड्स कि उसके पास पावर है कि अगर उसको लगता है कि कुछ डायरेक्शंस स्टेशन हाउस ऑफिसर को देनी चाहिए तो वो ऐसी रिपोर्ट पर अपनी इंस्ट्रक्शंस, अपनी डायरेक्शंस रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करने के बाद ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज देगा। अब प्रैक्टिकल में अगर देखें तो सुपीरियर ऑफिसर ने उसी रिपोर्ट पर इंस्ट्रक्शंस लिखी और उस रिपोर्ट को तो भेज दिया मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो इन इंस्ट्रक्शंस का फायदा क्या हुआ। तो प्रैक्टिकल में आप ऐसा सोच सकते हैं कि रिपोर्ट तो क्योंकि लॉ में लिखा है जाएगी मजिस्ट्रेट साहब के पास ही, बट इसकी एक कॉपी स्टेशन हाउस ऑफिसर को भेजी जा सकती है और ये वाली क्लॉज मोस्टली वहां काम करेगी फ्रेंड्स जब स्टेशन हाउस ऑफिसर ने 157 सीआरपीसी या उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 176 बीएनएसएस में ये डिसाइड किया कि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन में एंटर करना नहीं चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो सुपीरियर ऑफिसर
इंस्ट्रक्शन दे सकता है एसएचओ को कि आप इन्वेस्टिगेशन में एंटर करो, या जो ऑर्डिनरी रिपोर्ट जा रही है उस पर भी कोई इंस्ट्रक्शन स्टेशन हाउस ऑफिसर को दे सकता है, और उसी रिपोर्ट पर यह इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड करेगा और उस रिकॉर्डेड रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज देगा। आपकी प्रैक्टिकल जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 175 सीआरपीसी जो रिपोर्ट की बात हुई है, प्रैक्टिकल में जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है तो इस एफआईआर की एक कॉपी मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दी जाती है, उन मजिस्ट्रेट साहब के पास जो इस ऑफेंस का, इस केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है। नंबर, अब मैं बात करता हूं कि यह रिपोर्ट जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंची तो अब नेक्स्ट सेक्शन पिक्चर में आ जाएगी 159 सीआरपीसी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 178 बीएनएसएस, और ये बात करती है उस समय की जब वो रिपोर्ट 157 सीआरपीसी या उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 176 बीएनएसएस वाली जब मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंची तो उनके पास पावर्स हैं कि वो तीन एक्शन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, किस सेक्शन में लिखी है ये बात? 178 बीएनएसएस या 159 सीआरपीसी। क्या एक्शन ले सकते हैं? तीन एक्शन ले सकते हैं। कौन कौन से तीन एक्शन हो सकते हैं? नंबर एक बात, ये रिपोर्ट अगर इस रिगार्डिंग थी कि एसएचओ ने ऑप्ट किया कि वो इस पर एफआईआर करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता है, जो उसके पास पावर है, मजिस्ट्रेट साहब अगर चाहे, उनको ठीक लगता है तो इस पर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकते हैं, पहली बात। नंबर टू, अगर उनको ठीक लगे, इफ ही थिंक्स फिट, तो वो प्रोसीड कर सकते हैं इंक्वायरी, इस पर खुद इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर अपने किसी सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इसमें इंक्वायरी करो। और तीसरी बात, अगर उनको यह लगा कि इसमें इंक्वायरी के ग्राउंड्स नहीं है, इसमें इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड्स नहीं है, तो अब वो जो रिपोर्ट स्टेशन हाउस ऑफिसर की तरफ से आई वो उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो उस केस को ऐसे मैटर में वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं ऐसे मैनर में जो सीआरपीसी में आगे चैप्टर्स में दिए गए हैं। जनरली अगर बात करें तो ऐसी रिपोर्ट्स मजिस्ट्रेट साहब के पास रेयर ही कोई जाती है। कोई भी स्टेशन हाउस ऑफिसर जब एक बार एफआईआर रजिस्टर कर लेता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ही रिपोर्ट वो भेजता है। उम्मीद करता हूं कि दोनों का कंपैरिजन आपको समझ आ गया होगा। कोई चेंज दोनों ही सेक्शंस में नहीं आया है, सीआरपीसी का ही कंटेंट यहां पर रिटेन किया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसी टाइप की नए और पुराने लॉ के कंपैरिजन करके वीडियो आपको यहां पर मिलती रहेंगी, जो आपको दूसरों से आगे रखेंगी, प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स सेक्शन 160 सीआरपीसी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 179 बीएनएसएस के साथ फिर मिलूंगा फ्रेंड्स मैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।